अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल देसी परदेसी रेसिपी। आज हम गजरेला बनाएंगे। गजरेला बनाने के लिए मेरे पास 3 किलो गाजर है, 1.5 कप मेरे पास मिल्क पाउडर है, 1.5 कप मेरे पास चीनी है। गाजरों को मैंने छिलका उतार के धो के कद्दूकस कर लिया। आए अभी बनाना स्टार्ट करते हैं। गाजरें मैंने चूल्हे पे रख दी हैं। ये 5 अदद इलायची हैं और 1.5 कप हम चीनी डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके ऊपर ढकना रख के इनको थोड़ा पकने देते हैं। अभी ढकना रख के गाजरों को पकने देते हैं। गाजरों का अपना पानी है, ये बिल्कुल खुश्क हो जाए, फिर इसको घी डाल के, देसी घी डाल के इसको भूनेंगे। अब इसमें पानी है, अभी इसमें 1 कप हम देसी घी डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने हबीब वालों का 1 कप देसी घी डाला है। अभी पानी खुश्क हो गया इसका, अभी हम इसको भूनेंगे। इसको इतना भूनेंगे सब्जी अलग हो जाएगा, सब्जी इस पर आ जाएगा। तकरीबन इसको 8 से 10 मिनट तक भूनेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी इसमें मिल्क पाउडर डालेंगे।
इसको मैंने भून लिए। अभी मैं इसका फ्लेम ऑफ करूंगी। फ्लेम ऑफ करके ज़्यादा किलो खोया है, अभी मैं इसमें खोया डालूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास पिस्ता बादाम कटा हुआ, अभी मैं ये डालूंगी इसमें। हमारा गजरेला तैयार है, फ्लेम मैंने ऑफ कर दी है। अभी मैं इसको प्लेट में निकालती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा गजरेला तैयार है। अभी इस पे पिस्ता बादाम डालेंगे। ये हमारा गजरेला तैयार है, आप भी बनाएं, खाएं, हमें दुआओं में याद रखें। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।